कुछ हद तक हमारी सेहतें कंट्रोल में आ जाएंगी। और सहाबा का मामला ये था, सहाबा जब खड़े होते सफों में तो सहाबा के सीने आगे और पेट पीछे होते, चाहे नमाज की सफे हो सहाबा की या मैदान जंग की सफे हो, यही मामला था। आज हमारी सफों का हाल क्या है, सफे खड़े झाके देखना उधर का आदमी नहीं दिखता, भाई साहब पीछे हटो तुम्हारे पेट से कुछ नहीं दिख रहा इधर क्या। ऐसे कितने लोग जो अपना पैर नहीं देख सकते, क्या दिखता, यूं उठाना पड़ता, हाँ पैर है। ईद को गले नहीं मिल सकते आप उनसे, गले मिलने गए तो यूं मिलना पड़ता, चांस ही नहीं है ना, दिल से दिल लगना तो दूर की बात, चांस ही नहीं नजदीक जाने का, क्योंकि बीच में मतलब वो क्या बोलते हैं दोस्ती के बीच में आड़ आ गई हो पेट। तो सहाबा खड़े होते सफों में, सीने आगे पेट अंदर होते थे। आज कितने अजीब है, हम सहाबा की बातें करते और हमारे पेट आगे और सीने पीछे, ठीक। तो मुतवाजिन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सहाबा सिक्स पैक फोर पैक सिक्स पैक एट पैक थे, नहीं, मुतवाजिन, मुतवाजिन मतलब उनके पेट सपाट नॉर्मल हुआ करते थे। नॉर्मल पेट कभी भी अंदर नहीं होता, याद रखिए, बाहरी होता हल्का सा, लेकिन समझे ना बात को, मोटा नहीं होता है। तो सहाबा उस तरह से थे, मतलब बिल्कुल मैं नहीं कह सकता हूँ कि पैक्स वाले ऐप जैसे होंगे, नहीं, बट नेचुरल जैसा आदमी होता है, सेहतमंद आदमी देखिए उसके बॉडी का हर पार्ट उतना ही सेहतमंद होता, हाथ जितने जैसे उसके पेट वैसा, उसके थाई सब सार पूरा बॉडी पार्ट उसके एक जैसे मजबूत। हमारा क्या, आदमी तो एकदम दुबला पतला पेट बड़ा, इसका मतलब प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है। सेकेंड स्टेप, पहला डाइट